हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं, वहाँ की हरियाली देखने लायक है। यहाँ के लोगों की एक बहुत ही अच्छी आदत है और वो ये है कि सुबह होते ही ये लोग एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और गुड मॉर्निंग कहते हैं। ये देश पहाड़ों पर ही बसा है, इसलिए इसे माउंटेन कंट्री भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे कॉमन है हॉर्स मिल्क पीना। इस देश के लोगों को शायर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें लिखने का बड़ा शौक होता है, लेकिन इनकी कविता और शायरी सबसे लंबी होती है। फ्रेंड्स, आज हम आपको सेंट्रल एशिया के एक देश किर्गिस्तान के बारे में बताने जा रहे हैं। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत स्पेशल होने वाला है भाई। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है किर्गिज रिपब्लिक और यहाँ की कुल आबादी है 66 लाख के आसपास। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो ये बहुत ही कम है, सिर्फ 34 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे आपको यहाँ देखेंगे। इस देश के मात्र 36% लोग ही शहरों में बसते हैं, बाकी रूरल एरियाज में बिलोंग करते हैं। वैसे तो किर्गिस्तान में इस्लाम मुख्य धर्म है, लेकिन यहाँ का संविधान धर्म को लेकर सबको आजादी देता है। इस्लाम, बौद्ध धर्म, बहाई, ईसाई धर्म के साथ ये एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश है। किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का एक लैंडलॉक देश है, यानी कि इस कंट्री के चारों तरफ दूसरे देश हैं। देश का बॉर्डर नॉर्थ में कजाकिस्तान से, तो ईस्ट में चीन से, साउथ वेस्ट में तजाकिस्तान से, तो वेस्ट में उज्बेकिस्तान से मिलता है। इस देश के संबंध अपने सभी पड़ोसी मुल्कों से काफी अच्छे हैं। दोस्तों, वैसे तो सुबह उठकर हम सब एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन जो अंदाज इस देश के लोगों का है, वैसा शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। किर्गिस्तान में अपने फैमिली मेंबर के साथ साथ सब एक दूसरे के घर पे जाकर हैंडशेक करते हैं और गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इसके पीछे भी वजह है। दरअसल इस देश में लैंड ज्यादा है और लोग कम है, ऐसे में यहाँ पर बहुत कम ही लोग आपको दिखाई देंगे, और इसीलिए यहाँ पर जिस भी कॉलोनी में या गली में लोग रहते हैं, वो एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। यहाँ के लिए ये बहुत जरूरी भी है। किर्गिस्तान के लोग बहुत ही शांत नेचर के होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही कम ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा जो कि ऊंची आवाज में बात करते हो या जो बदतमीजी करते हो। यहाँ पर इस तरह के लोग हैं ही नहीं, तभी तो किर्गिस्तान को टूरिस्ट के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन कहा जाता है। सबसे अच्छी बात है कि एक तो लोकल लोग अच्छे हैं और ऊपर से ये पूरी तरह से सेफ भी है। दोस्तों, इस देश के लोग कविताओं से बहुत प्रेम करते हैं। जी हाँ, लोगों में कविता लिखने का अलग ही जुनून आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट पूरी दुनिया में सबसे अच्छे कवि यहीं के माने जाते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के कवियों द्वारा लिखी जाने वाली कविताएं सबसे लंबी होती हैं। ये वाकई में काफी क्रिएटिव होते हैं। यहाँ की शायरी भी आपका दिल जीत लेगी। किर्गिस्तान को माउंटेन कंट्री भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के कुल लैंड का 70% हिस्सा पहाड़ों ने कवर कर रखा है, तभी तो ये इतना खूबसूरत दिखता है। साथ ही यहाँ के पहाड़ों में पत्थर नहीं है, बल्कि ये हरे भरे जीवित पहाड़ हैं। यकीन मानिए, यहाँ का नजारा देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा। बिल दोस्तों, किर्गिस्तान देश से आप घोड़ों को अलग नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन है, यहाँ के लोग घोड़ों का मिल्क भी पीते हैं और एट द सेम टाइम वो हॉर्स मीट भी खाते हैं। किर्गिस्तान का ये सबसे पसंदीदा खाना है। दिन के समय या रात में भी यहाँ के लोग हॉर्स मीट का स्वाद अच्छे से लेते हैं और ये यहाँ का सबसे कॉमन खाना भी है। साथ ही लैम मीट भी आपको यहाँ खाने को मिल जाएगा। घोड़ी के दूध से बनाया जाने वाला पेय पदार्थ क्यूमिस यहाँ का नेशनल ड्रिंक है। जब बात हो रही है खाने पीने की, तो आपको ये भी बता दूं कि किर्गिस्तान में बनाई गई तरह तरह की ब्रेड दुनिया के हर देश में एक्सपोर्ट की जाती है। यहाँ का ब्रेड बहुत ही कमाल का होता है। इन्हें अलग अलग चीजों के साथ बनाया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर सुबह सुबह का माहौल बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि यहाँ की सड़कों पर अर्ली मॉर्निंग से ही लोग ब्रेड बेचते दिख जाते हैं। लोग किर्गिस्तान के लोगों को 40 नंबर से सबसे ज्यादा प्यार है। ये लोग मानते हैं कि 40 नंबर यहाँ के लोगों के लिए शुभ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के फ्लैग में भी सूर्य से 40 किरणें निकलती हुई दिखाई गई हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के इतिहास में कहा गया है कि इस देश में 40 ट्राइब्स हुआ करते थे और फ्लैग में इन सब ट्राइब्स के लोगों को रेस्पेक्ट दी गई है। मौसम के मामले में भी किर्गिस्तान की बात अलग है। यहाँ कभी तो टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुँच जाता है, तो कभी टेम्परेचर -30 भी चला जाता है, खासतौर पर पहाड़ी एरियाज में। यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है तो कभी तेज धूप निकल आती है। कहने का मतलब है कि यहाँ का मौसम आपको हमेशा सरप्राइज करता रहता है। हालांकि ज्यादातर यहाँ का मौसम आपको ठंडा ही मिलेगा। वेल दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, फिर भी इस देश में आपको लेक्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। यहाँ के कई सारे बड़े लेक्स हैं जो टूरिस्ट को खींचने का जरिया भी हैं। यही वजह है कि इस देश में हर साल लाखों की संख्या में विदेशों से लोग आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। ये एशिया में भी है, उस लिहाज से हमारे देश से जाने वाले लोगों के लिए भी ये सस्ता पड़ता है। दोस्तों, किर्गिस्तान के लोग बहुत ही हैंडसम होते हैं। इनफैक्ट यहाँ की लड़कियाँ हद से ज्यादा खूबसूरत होती हैं, तो इसे एक खूबसूरत देश भी कहा जाता है। दरअसल यहाँ लोगों की लंबाई बहुत ज्यादा होती है और अच्छा शरीर यहाँ के लोगों के लिए गॉड गिफ्ट है। ये नेचुरली गुड लुकिंग होते हैं। यहाँ पर रोड पर आम लड़के आपको ऐसे ऐसे घूमते दिख जाएंगे जो बॉलीवुड के हीरोज से भी ज्यादा गुड लुकिंग होंगे। लड़कियाँ अपना दिल संभाल के ही जाएं इस देश में जरा।
क्या आपने साउथ एंगलचे ग्लेशियर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि यह है इस देश का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा सबसे बड़ा ग्लेशियर। यहाँ आने के बाद आपको लगेगा मानो आप एक पोलर रीजन में पहुंच गए हो। अगर आपको शौक है एडवेंचर का तो आप यहाँ माउंटेन क्लाइंबिंग और कैंपिंग जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। वाकई में इस देश में हर तरह की चीज आपको देखने को मिल जाती है। तभी तो कहते हैं कि छोटा सा देश है लेकिन बहुत सारे राज हैं इस देश के अंदर। किर्गिस्तान के लोग बहुत ही फिल्मी होते हैं। यहाँ पर हॉलीवुड के बहुत सारे फैंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ का हिसाब किताब सिनेमा के मामले में साउथ इंडिया की तरह ही है। मतलब कमाल के फैंस होते हैं जो अपने हीरोज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किर्गिस्तान में सबसे ज्यादा बांस के पेड़ देखने को मिलते हैं और ये जगह जगह पे आपको दिख जाएंगे। इन बांस के पेड़ों का इस्तेमाल यहाँ पर अलग अलग तरह के फर्नीचर्स को बनाने के लिए किया जाता है। ये भी यहाँ का अच्छा बिजनेस है और बाद में इन्हीं फर्नीचर को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। किर्गिस्तान की औश एक ऐसी सिटी है जिसे कम से कम 3000 साल पुराना माना गया है। यहाँ पर कई सारी ऐतिहासिक चीजें आप देख सकते हैं। इस देश का सबसे पुराना म्यूजियम बना हुआ है इस शहर में। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश से आज तक एक भी नोबेल प्राइज विनर नहीं निकला है। ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर नोबेल प्राइज को जीतना यानी कि सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करना माना जाता है। खैर हर देश की अपनी अपनी सोच होती है लेकिन यकीनन आने वाले सालों में यहां से भी कोई ना कोई जरूर जीतता हुआ दिख जाएगा आपको। वे दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि इस देश की बात ही अलग है और यहां पर आपको चारों तरफ हरियाली नजर आएगी। आपको बता दूं इस देश में कुल मिलाकर एक या दो नहीं बल्कि 11 नेशनल पार्क्स हैं जहां पर लोग आते हैं और हाइकिंग, हॉर्स राइडिंग, ट्रेकिंग और स्कीइंग करते हैं। तभी तो मस्ती है इस देश में और यही वजह है कि यहां पर हर साल सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों जानते हैं कि किर्गिस्तान में मात्र 36% लोग ही क्यों शहरों में रहते हैं? इसके पीछे रीजन ये है कि यहां के लोग कंट्री साइड में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। यहां पर गांव में भी तमाम फैसिलिटीज इनको मिल जाती हैं और कंट्री साइड में रहना इनके लिए सस्ता भी पड़ता है। यही वजह है कि यहां के लोग शहर से दूर शांति में रहना पसंद करते हैं। वेल फ्रेंड्स ये फैक्ट आपको बहुत हंसा सकते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा गप मारने वाले लोग होते हैं किर्गिस्तान के। नंबर वन पे तो क्यूबा देश के लोग हैं लेकिन टॉप 5 देशों की सूची में किर्गिस्तान के लोगों का भी नाम आता है। यहाँ के किसी भी इंसान से आप किसी भी टॉपिक पे बात कर लीजिए वो आपको कम से कम 20 मिनट तक ज्ञान देता ही रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर किर्गिस्तान जाने का कभी मौका मिले तो आराम से ही लोगों से बात करें नहीं तो आपका बहुत सारा समय खराब होने वाला है। ये इस देश में जाने से पहले आपके लिए बड़ी सीख है। किर्गिस्तान की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग एक शादी पर ही यकीन करते हैं। हम इस फैक्ट को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस देश के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ के पुरुष अगर 4 महिलाओं के साथ भी शादी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इस देश में ऐसा नहीं है। किर्गिस्तान के लोगों में यहाँ के महिलाओं के लिए बहुत इज्जत है और यही गुण इस देश को बहुत अलग और स्पेशल बनाता है। किर्गिस्तान ट्रेन नेटवर्क बहुत छोटा सा है। यहाँ पर ट्रेन ट्रैक मात्र 417 किलोमीटर तक फैली है। इसके पीछे भी रीजन है, यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ हैं हर तरफ और ऐसे में ट्रेन नेटवर्क्स का जाल बनाना इतना आसान काम नहीं है। किर्गिस्तान में आप गोल्डेस्ट किंग बार बार लोगों को बोलते हुए सुन सकते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर सोने का काम सबसे बड़े लेवल पे किया जाता है। सोने को इस देश से एक्सपोर्ट किया जाता है दुनिया के तमाम अलग अलग देशों में। यहाँ का सोना बहुत पॉपुलर है और इसे मोटे दाम पर बाहर के लोग खरीदते हैं। इसी की वजह से किर्गिस्तान की इकोनॉमी की गाड़ी आगे चल रही है। वैसे यहाँ के लोग बड़े ही बिजनेस माइंडेड होते हैं और ये हर चीज को बेचना जानते हैं। दोस्तों किर्गिस्तान पहले रूस के कब्जे में था इसलिए यहाँ के ज्यादातर रीति रिवाज आज भी रूस से मेल खाते हैं। देश की ऑफिशियल भाषाएं किर्गिज और रशियन हैं, जबकि यहाँ की ऑफिशियल करेंसी किर्गिस्तानी सोम है जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए के ही बराबर है। इसलिए इस खूबसूरत देश की सैर करने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों किर्गिस्तान के पास अपना खुद का व्हाइट हाउस है जो स्थित है राजधानी शहर बिश्केक में। इसे जिस तरह से व्हाइट मार्बल से बनाया गया है वो काफी अमेजिंग है। बाहर से बिल्डिंग बहुत ही कमाल की दिखती है और ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है बल्कि यहाँ के प्रेसिडेंट का ऑफिस है। अब आप दुनिया को बता सकते हैं कि व्हाइट हाउस सिर्फ अमेरिका में ही नहीं है बल्कि किर्गिस्तान में भी है। वैसे आपको बता दूं कि पूरा बिश्केक शहर बहुत खूबसूरत और हरा भरा है। अब जिधर भी देखेंगे यहां आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ेगी। रूस के प्रभाव में रहने के चलते इस शहर की अधिकतर इमारतें सोवियत शैली की हैं और इन इमारतों के बीचों बीच आंगन बने होते हैं। किर्गिस्तान के लोग गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ के लोग न सिर्फ अपने घर को बल्कि घर के बाहर वाले एरिया को भी रोज पानी से साफ करते हैं। ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपने आसपास वाकई में साफ सुथरा माहौल रखते हो। दोस्तों कई देशों के बारे में आपने सुना होगा कि वो पूरी तरह से टूरिज्म पर डिपेंडेंट हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर दूसरे देशों से लोग इस देश में घूमने आए तो ठीक है, नहीं तो उस देश की हालत खराब हो जाती है। लेकिन किर्गिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ के कुल GDP का सिर्फ 1.25% ही टूरिज्म से आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस देश में टूरिस्ट आने लगे हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।